भी लेट हो सकता है। सर इस लड़के को एंट्री क्यों नहीं मिला थोड़ा जान सकते हैं? इसका एक साल बर्बाद करने में सर आपका भी हाथ है। लेट हो गया कोई बात नहीं, पैसा दे दो 10-15 हज़ार, एंट्री हम दे देंगे। सर अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा किया जाता तो अच्छा लगता। 9:30 बजे के बाद टीचर का एंट्री हुआ है कि नहीं ये बताइए गार्ड साहब। किस वीडियो को शेयर करके उच्च अधिकारी और सरकार तक जरूर पहुंचाया जाए, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाया जाए और दिखाया जाए कि सेंटर पे क्या चल रहा है। 5 मिनट लेट हो गया, एग्जाम नहीं देने दिया गया है। ये जो सेंटर वाले हैं इतना बेशरम हो चुके हैं कि बच्चों का जिंदगी खराब करने के लिए उफ तक नहीं करते हैं। कॉलेज में क्लास नहीं करवाते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं करवाते हैं और सेंटर पे ये नौटंकी लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को एग्जाम दिलवाने के लिए लाए हैं। अच्छा आपके बेटे अंदर चले गए हैं? हाँ चले गए। अगर आपका बेटा ये होता अमन और इसको एंट्री नहीं मिलता तो कैसा लगता? कितना हाय टू फैमिली, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस बच्चे को इंसाफ दिलाइए प्लीज, जल्द से जल्द।